खबर चमोली से, पांडू नगरी में भी ग्रामीणों ने जोशीमठ नगर के समर्थन में निकाली रैली, लगाए एनटीपीसी मुर्दाबाद के नारे। पड़ोसी नगर जोशीमठ में मची भूगर्भी उतल पुतल धसाव को लेकर पांडू नगरी पांडुकेश्वर के ग्रामीणों ने भी अपनी सहानुभूति दिखाते हुए जोशीमठ नगर के प्रभावितों और नगरवासियों के समर्थन में रैली निकालकर अपना समर्थन दिया। ग्राम प्रधान पांडुकेश्वर बबीता देवी के नेतृत्व में ग्रामीण ने एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और एनटीपीसी को बंद करने की बात कही। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस प्राकृतिक आपदा और इस विपदा की घड़ी में पूरा पांडुकेश्वर गांव जोशीमठ और वहां के हर एक परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उनके सुख दुख को साझा करने को पल तैयार है। यही नहीं, उनके गांव के लोग भी अपना हर तरह का समर्थन सहयोग प्रभावित परिवार को देने के लिए तत्पर रहेंगे। उनका कहना है एनटीपीसी का टर्नल निर्माण ही नहीं बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट का ही काम बंद किया जाए ताकि जोशीमठ को बचाया जा सके। ब्लॉक हमारा तहसील और पूरे अपने जोशीमठ को बचाने के लिए आज पूरी ग्राम सभा पांडुकेश्वर आपके साथ है, पूरे जोशीमठ संघर्ष समिति के साथ है। बिल्कुल, जब तक आपकी ये लड़ाई चलती रहेगी तब तक हम आपके साथ है। और शासन प्रशासन से भी ये गुहार है कि जल्द से जल्द हमारा ब्लॉक, हमारा तहसील वापस दिया जाए और सभी लोगों को जान माल की हानि होने से पहले उन्हें सुरक्षित किया जाए। धन्यवाद। ढंग से जो है जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, जोशीमठ के अस्तित्व के साथ खड़े हैं, उनके अस्तित्व के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। और इसलिए जो हम चाहते हैं कि हम सब न केवल पांडुकेश्वर ग्राम सभा बल्कि पूरा जो 52 ग्राम सभाएं हैं वो एक साथ एक स्वरबद्ध होकर जो है गलत नीति गलत तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं उसका विरोध करें और मरते दम तक विरोध करें और हम करते रहेंगे। धन्यवाद। खबर भारत वर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।